बेशक इस बार हमीरपुर में मौसम के अनुकूल रहने पर आम की बंपर फसल होने की उम्मीद बागवानों को जगी है, लेकिन इसी बीच आम के पौधों को अनजान बीमारी की जकड़ने पर अब बागवान चिंतित हो गए हैं। जानकारी के अनुसार आम के पौधों के फूलों के साथ टहनियों को सफेद रंग की फफूंद जमने से जहां आम के फूल झड़ रहे हैं तो वहीं आम की टहनियां भी सूखने लगी हैं। इस तरह अचानक आम के पौधे को लगी बीमारी से बागवानों के चेहरे पर शिकन पड़ने लगी है, क्योंकि इस बीमारी के बारे में बागवानी विभाग हमीरपुर को भी जानकारी नहीं होने से बागवानों की चिंता गहरी हो गई है। हमीरपुर जिला के नदौन क्षेत्र के साथ साथ धनेटा, कांगू, सुजानपुर और भोटा क्षेत्र में काफी तादाद में इस तरह आम के पौधों में फैली बीमारी से बागवान परेशान हैं। हालांकि बागवानों ने इसकी शिकायत बागवानी विभाग से की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बागवानी विभाग को भी इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिससे खाली हाथ ही बागवानों को लौटना पड़ रहा है। बागवान परविंदर सिंह, अजय सिंह, वीना देवी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से आम के पौधों पर सफेद रंग की परत चढ़ रही है, जिसमें आम के फूल भी झड़ने लगे हैं तो आम भी सूख रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए बागवानी विभाग जल्द काम करे। उधर इस बारे में जब हमीरपुर बागवानी उपनिदेशक से बात कर बीमारी के निदान के लिए जानना चाहा तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि अभी अपने वैज्ञानिकों से बात करके ही उपचार बताएंगे। साढ़े भाव पे पता नहीं क्या लग गया है, कहना हुंदा हुंदा है, 15-20 दिन च पूरा छाई लिया है, पता नहीं गुज्जे ने की क्या चीज है। आम लगे कि लगे आपके? आम लगे, बड़े भारी लगे हुए है। अब नहीं आम नहीं है आपको पता लगा भी क्या बीमारी है? क्या बीमारी है पता नहीं, चाहे था जिस चीज गुज्जे मरी जान पे, क्या पता नहीं आपको क्या दवाई दिखा इस पे भी। हाँ। और आम खराब हो गया सारा।